मुंबई के मानखुर्द इलाके में बन रहे एक फुटओवर ब्रिज गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दरअसल नए बन रहे पुल के नीचे से एक कंटेनर निकल रहा था, तभी कंटेनर का ऊपरी हिस्सा ब्रिज को टकरा गया और ब्रिज का लोहे का ढांचा कंटेनर पर गिर गया। इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जबकि हादसे में कुछ गाड़ियां भी पुल के नीचे दब गई हैं। ब्रिज का जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक लेके गाड़ी जा रही थी कंटेनर, उसका जो हाइट ज़्यादा होने से ब्रिज को धक्का लगा है, वो लगने से जो पेरिस्टम ब्रिज जो स्टील का है वो नीचे गिर गया है, उसमें दो लोग जख्मी हुए हैं। नागरिकता कानून पर यूरोपीय संसद में भारत को कूटनीतिक जीत मिली है। सूत्रों के मुताबिक सीएए पर यूरोपीय संघ के प्रस्ताव पर आज कोई मतदान नहीं होगा। इसे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान पर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया की जीत बताई गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि सीएए पर भारत के नजरिए को यूरोपीय संघ के सांसद खुले मन से समझेंगे। इससे पहले यूरोपियन संसद के प्रस्ताव पर भारत ने कड़ा एतराज जाहिर किया था। यूपी पुलिस ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से निलंबित कफील खान को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। कफील खान के ऊपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 12 दिसंबर को नागरिकता कानून को लेकर भड़काऊ बयान देने का आरोप है। दरअसल कफील खान के खिलाफ दर्ज शिकायत में कहा गया है कि छात्रों को संबोधित करने के समय उन्होंने आरएसएस और अमित शाह के लिए भड़काऊ बयान दिया था। एफआईआर में कफील खान पर शांतिपूर्ण माहौल को भंग करने की कोशिश का आरोप है। तो कफील खान पर शांति भंग करने का आरोप है और अब इस मामले को लेकर के जो उन्होंने भड़काऊ बयान दिया था उस पर कफील खान के खिलाफ दर्ज शिकायत में कहा गया है कि छात्रों को संबोधित करने के समय उन्होंने आरएसएस और अमित शाह के लिए भड़काऊ बयान दिया था। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि कफील खान पर शांतिपूर्ण माहौल को भंग करने की कोशिश की है कफील खान ने। राजस्थान के उदयपुर में भारत बंद के दौरान नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ रैली निकाल रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारी वहां सड़क बंद करके हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारी अपनी मोटरसाइकिलों और स्कूटरों को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। यह हंगामा नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में निकाली जा रही बाइक रैली के दौरान हुआ, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारी जैसे तैसे भाग निकले, लेकिन उनकी 15 से ज्यादा मोटरसाइकिलों और स्कूटरों को पुलिस ने जब्त कर लिया और इसके बाद वहां जैम को भी खुलवाया गया। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में हुए भारत बंद के दौरान पटना में भी जमकर हंगामा हुआ। ये बंद लेफ्ट और बहुजन क्रांति मोर्चा नाम के संगठन की तरफ से बुलाया गया, जिसका पटना में सबसे ज्यादा असर दिखा। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता भी इसके समर्थन में सड़कों पर उतरे और हंगामा किया। आज भारत बंद है और यह तस्वीर पटना के डाक बंगला चौराहे का है, जहां जन अधिकार पार्टी और बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरकर और डाक बंगला चौराहे को पूरी तरह से जाम किया है। जन अधिकार पार्टी के अलावा लेफ्ट ने भी नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का विरोध जताया। हालांकि लोगों को जबरदस्ती रोके जाने पर पुलिस ने कार्रवाई की, कई प्रदर्शनकारियों को पीटा भी गया। अरे हो गया। पटना में भारत बंद के दौरान आगजनी की भी घटनाएं हुई, हालांकि इन घटनाओं में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बंद को समर्थन देने वाले पप्पू यादव ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं, इसलिए लड़ाई आर पार है और लड़ाई में कोई समझौता अब नहीं होगा। महाराष्ट्र के धुले में भी भारत बंद हिंसक हो गया। आरोप है कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की, साथ ही पुलिस की कई गाड़ियों के शीशे भी फोड़ दिए गए। इसके अलावा कुछ गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया, जबकि दो मोटरसाइकिलें भी फूंक दी गईं। धुले में जिस जगह हिंसा भड़की, वहां सड़कों पर चारों तरफ पत्थर बिखरे नजर आए। आरोप है कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बीच से ही पुलिस पर ये पत्थर बरसाए गए। धुले में हुई हिंसा में 12 पुलिस वाले घायल हो गए, जिनमें दो को गंभीर चोटें आईं। धुले के अलावा यवतमाल में भी भारत बंद के दौरान हंगामे का एक वीडियो सामने आया। इसमें कुछ लोगों को एक दुकान पर हमला करते हुए भी देखा गया। आरोप है कि ये हमला भारत बंद के समर्थन में रैली निकालने वालों ने किया। मैं सीए के समर्थक हूँ, मैं बंद नहीं करता दुकान, तो उन्होंने गोट मारी, लूट मारी चालू करे। हमारा शिवरात्रि का घी का डब्बा लाया हुआ तो वो लेके भागे और हमारी दुकान की मिर्ची के उत्पाद के बाद में पथराव चालू किए।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने पिछले साल 15 दिसंबर को यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के लिए वीसी को जिम्मेदार माना। इस प्रदर्शन के बीच वीसी ने एक चिट्ठी जारी कर 15 दिसंबर की घटना पर खेद व्यक्त किया, लेकिन छात्रों पर इसका कोई असर नहीं दिखा और वो वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। अपनी मांगों के समर्थन में यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने भी कैंपस में एक मानव श्रृंखला बनाई और वीसी को यूनिवर्सिटी में पुलिस के घुसने का जिम्मेदार बताया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अस्पताल का एक मॉडल भी बनाया जिसमें वीसी, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर और डीन के कुछ विवादास्पद पोस्टर लगे दिखाई दिए। हालांकि छात्रों ने इन पोस्टरों को लगाने का मकसद भी बताया। आफ्टर रेजिग्नेशन ये क्या करेंगे, तो उनका फ्यूचर प्लान हमने खुद तैयार किया कि अपनी क्लिनिक खोले, अपने डॉक्टर्स लेकर के अपनी फर्जी डॉक्टरी वहां करें, यहां ना करें वो। वहीं वीसी ने छात्रों की नाराजगी दूर करने के लिए जो चिट्ठी जारी की उसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा की जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर होने का भी हवाला दिया। अक्षय कुमार के वॉलीबॉल खेलने का एक वीडियो वायरल हो गया। अक्षय कुमार ने समंदर किनारे सुबह की सैर के वक्त कुछ लड़कों के साथ वॉलीबॉल खेला जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एयर इंडिया ने कोरोना वायरस की वजह से चीन जाने वाली कुछ उड़ानें 14 फरवरी तक रद्द कर दी। जो उड़ानें रद्द की गईं वो मुंबई से दिल्ली होते हुए शंघाई जाती हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए रैलियां करेंगे। इस दौरान वो पहले बुराड़ी में गृह मंत्री अमित शाह और फिर शाम को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक मंच पर दिखेंगे। दिल्ली में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही जेडीयू ने बुराड़ी और संगम विहार सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आयुष मंत्रालय ने कोरोना वायरस से जुड़ी एक एडवाइजरी जारी की और दावा किया कि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए होम्योपैथी और यूनानी दवाएं असरदार साबित हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक थाने में पुलिस वाले किसी बात पर आपस में ही भिड़ गए। थाने के दारोगा और कुछ सिपाहियों के बीच काफी देर तक तीखी बहस हुई और देखते ही देखते उनके बीच मारपीट तक की नौबत आ गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि कुछ सिपाही बेहद गुस्से में थे और दारोगा के साथ बहस कर रहे थे। वो दारोगा की हर बात का गुस्से में ही जवाब दे रहे थे। इसी बीच एक सिपाही ने दारोगा पर सबको परेशान करने का आरोप लगा दिया। उसने ये भी दावा किया कि दारोगा की वजह से सभी बेहद तनाव में हैं और कोई भी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। हालांकि इस बहस के दौरान एक सिपाही ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की, लेकिन नाराज सिपाहियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बताया गया कि इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला जिले के एसपी तक पहुंच गया, जिसके बाद इसकी जांच के आदेश दे दिए गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों लोगों ने नागरिकता कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सीएए के खिलाफ इस प्रदर्शन में शाहीन बाग की कुछ महिलाएं भी शामिल हुई। इस बीच कुछ लोग तिरंगा लिए हुए थे जबकि कुछ लोगों के हाथों में पोस्टर थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का समर्थन करने फिल्म निर्माता तपन बोस भी पहुंचे और नागरिकता कानून के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। इस बीच तपन बोस ने भारतीय सेना पर विवादास्पद बयान भी दे दिया। पाकिस्तान कोई दुश्मनों का देश नहीं है, मैं पाकिस्तान गया बहुत बार, वहाँ का आर्मी और हमारा आर्मी भी एक जैसा है। वहाँ का आर्मी अपने लोगों को मारता है, हमारा आर्मी भी अपने लोगों को मारता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वहीं कांग्रेस ने तपन बोस की सेना पर दिए गए बयान की निंदा की, उनसे माफी की मांग की। किसी देश की पूरी आर्मी पर इस तरह का इल्जाम लगाना, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो हिंदुस्तानी हो, मेरे हिसाब से गलत है। आर्मी में कुछ लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर इल्जाम और उनके ऊपर मुकदमे भी चलते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने का आदेश दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर विवादास्पद बयान दिया था, जबकि अनुराग ठाकुर ने लोगों से विवादास्पद नारे लगवाए, जिस पर चुनाव आयोग ने सख्ती बरती और दोनों नेताओं को बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर करने का आदेश जारी कर दिया। चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री और एक सांसद को पार्टी की स्टार प्रचारक की सूची से बाहर कर चुनाव आयोग ने चुनाव में शब्दों की मर्यादा बनाए रखने का सख्त संदेश तो दे ही दिया है। जिसके बाद अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत करने वाली आम आदमी पार्टी खुश हो गई और उसने बीजेपी पर हमले और तेज कर दिए। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और अपनी हार चुनाव से पहले मान गई, इसलिए ये लोग दिल्ली का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी के दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने इस पर नपीतुली प्रतिक्रिया दी। कोई भी वाक्य अगर कोई गलत है तो उसके बारे में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक थिंकिंग पार्टी है,
वो संज्ञान लेती है। इस आदेश के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने प्रवेश वर्मा को नोटिस जारी किया और अगले दिन दोपहर 12 बजे तक विवादास्पद बयान पर जवाब देने के लिए कहा। जबकि अनुराग ठाकुर को एक दिन पहले ही चुनाव आयोग का नोटिस मिल चुका है और दोनों नेताओं को एक ही दिन इस मामले पर जवाब देना होगा। लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग ने बीजेपी को आदेश दिया है कि दोनों नेताओं को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर किया जाए, यानी कि अब दोनों नेताओं की गिनती सामान्य कार्यकर्ताओं में होगी जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार तो कर सकते हैं लेकिन पार्टी उनके प्रचार का कोई खर्च नहीं उठाएगी। और अगर किसी प्रत्याशी को अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा से चुनाव प्रचार करवाना है तो उसे इसका पूरा खर्च खुद उठाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस खर्च को प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। जबकि इससे पहले स्टार प्रचारकों की लिस्ट में होने की वजह से इन दोनों नेताओं की रैली के खर्च को पार्टी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाता था। यूपी के लखनऊ में सीएए और एनआरसी के खिलाफ घंटाघर पर हो रहे धरना प्रदर्शन पर बाल कल्याण समिति ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में धरना प्रदर्शन में शामिल बच्चों को धरना स्थल से तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है। बाल कल्याण समिति के मुताबिक परिवार अगर बच्चों को धरना स्थल से नहीं हटाता तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बाल कल्याण समिति ने यह आदेश जारी किया है और ये कहा गया है कि अगर धरना स्थल से बच्चों को नहीं हटाया जाता है तो कार्रवाई हो गई। दरअसल यूपी के लखनऊ में सीएए और एनआरसी के खिलाफ घंटाघर पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है जिसमें बाल कल्याण समिति ने नोटिस जारी किया है।